नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश भर में मुफ्त लगेगा बूस्टर डोज, सरकार उठाएगी खर्चा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, बिजली नहीं होगी महंगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 दिवसीय ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा धरोहर बचाने का तरीका। शहर की हैट्रिक पर झूम उठी धनश्री। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश भर में मुफ्त लगेगा बूस्टर डोज, सरकार उठाएगी खर्चा। बिहार में सभी को अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। जी हां, एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इस बीच अहम फैसला लेते हुए सरकार प्रदेश भर के 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों के बूस्टर डोज का खर्चा उठाएगी। बिहार में अब कोरोना का बूस्टर डोज भी पूरी तरह फ्री होगा, किसी को इसके लिए कोई राशि नहीं चुकानी होगी। मालूम हो कि 60 प्लस वालों को जहां केंद्र सरकार फ्री में बूस्टर डोज लगवा रही है, वहीं अब 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों के बूस्टर डोज का खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, बिजली नहीं होगी महंगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के 1.6 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही भुगतान करना होगा, यानी बिजली महंगी नहीं होने वाली है। सरकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी राशि जारी किए जाने के बाद ये तय हो गया है कि बिहार में फिलहाल बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए नीतीश सरकार ने बिजली कंपनी को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,801 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बिजली कंपनी को भी तकनीक और व्यवसायिक नुकसान की भरपाई के लिए 1,094 करोड़ अतिरिक्त राशि दी गई है। सीएचबीसी शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 19 को होगा मेडिकल। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वनपाल के पद के लिए सोमवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा फल को जारी किया गया है। कुल 306 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे। आपको बता दें कि वनपाल के 236 पदों पर बहाली होनी है। केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक सोमवार को हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में 254 पुरुष और 115 महिला अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 227 पुरुष और 79 महिला अभ्यर्थी सफल रहे। सफल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 19 अप्रैल से गर्दनीबाग अस्पताल में होगी। परिषद के मुताबिक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही अधीन वनरक्षी के पद पर भी बहाली की प्रक्रिया जारी है। 19 और 20 अप्रैल को इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। दरभंगा जिले को इस काम के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। मखाना के उत्पादन और विकास के लिए दरभंगा जिले को केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट योजना के तहत प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना है। बिहार के दरभंगा जिले को ये पुरस्कार आने वाले 21 अप्रैल को दिया जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि राज्य के समेकित प्रयासों का ये फल है कि मिथिला क्षेत्र की बेरोजगारी और पलायन की समस्या के निदान में मखाना उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जल संसाधन मंत्री ने इससे आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार का कोई न कोई उत्पाद देश और दुनिया की हर थाली में पहुंचे और सपने को साकार करने में मिथिला का मखाना सबसे बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। कहीं सुहावना मौसम का आनंद तो कहीं सूरज की तपिश झेल रहे हैं बिहारवासी। बिहार के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जो अपडेट जारी किया है उसके अनुसार पटना, गया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, बक्सर, भभुआ, रोहतास, अरवल में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार भी है। मौसम विभाग के माने तो सुपौल, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार बताए गए हैं। हालांकि राजधानी पटना में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 0.2 और न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज हुई। वहीं उत्तर मध्य और पश्चिमी हिस्से के 14 जिलों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने बिहार के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार सरकार ने अब चना और मसूर भी खरीदने का फैसला लिया है। राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के अनुसार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत दलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर चना और मसूर भी खरीदने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि राज्य के पंजीकृत किसानों से चना और मसूर सरकार खरीदेगी। जहां चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं मसूर का 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बिहार में 2 और मेडिकल कॉलेज बनाने की मिली स्वीकृति। बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के मोतिहारी और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की मिली स्वीकृति मिल गई है। इन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150-150 सीटें होंगी। आपको बता दें कि एक मेडिकल कॉलेज के खर्च में लगभग 603 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोनों कॉलेज के बिल्डिंग के निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही पावापुरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और इसके संबंध अस्पतालों के नाम को बदला गया है। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी से बदलकर इसका नाम भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी कर दिया गया है। 1 लाख से पार
हर रोज होगी प्रदेश भर में कोरोना की जांच, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। देश के साथ साथ बिहार में भी कोविड 19 के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है और इसको लेकर हाई लेवल बैठक भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बैठक में कोविड 19 के संभावित चौथे लहर को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब कोरोना जांच को एक बार फिर से 1 लाख पार ले जाने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में जांच बढ़ाने से लेकर कोरोना से निपटने की कई बड़ी प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी प्रदेश भर में 70 से 80 हजार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश ने भी कहा है कि बिहार कोरोना को लेकर अलर्ट है और जांच करवाई जा रही है। अगलगी को लेकर बिहार के सभी जिलों में फायर अलर्ट। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से अगलगी की समस्या बढ़ गई है। यही वजह है कि बिहार के सभी जिलों में गर्मी के बीच फायर अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। अगलगी की संभावनाओं को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति खत्म कराने का भी आदेश जारी किया गया है, जिससे आग लगने की घटना गंभीर न हो। आपको बता दें कि राजधानी पटना में इस बार आग लगने की 2-3 घटना के बाद आपदा विभाग अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। इस दौरान कोई भी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने दिया राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण का निर्देश। बिहार राज्य वन प्राणी परिषद के साथ सीएम नीतीश ने 10वीं बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार राज्य वन प्राणी परिषद के 10वीं बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य वन प्राणी परिषद के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह सदस्य सचिव प्रभात कुमार गुप्ता ने वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। 2020 में हुई 9वीं बैठक में दिए गए निर्देश में कितना काम किया गया इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। साथ ही कैमूर वन्य प्राणी श्रेणी को टाइगर रिजर्व बनाने हेतु प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद को भेजने को लेकर चर्चा भी की गई। केंद्रीय कर से हिस्सेदारी के रूप में बिहार को मिली अब तक की सबसे अधिक राशि। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बताया है कि बिहार को अब तक की सबसे अधिक केंद्रीय कर से हिस्सेदारी के रूप में राशि मिली है, जो कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां 59,861 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 91,352 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को आयकर, कॉरपोरेट कर, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी से प्राप्त टैक्स वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को डिवोल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। इस राशि को राज्य सरकार किसी भी कार्य पर व्यय कर सकती है, जिसमें 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों को 41% और उसमें बिहार को 10% की हिस्सेदारी निर्धारित की है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा धरोहर बचाने का तरीका। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर आपदा के समय धरोहर को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। यह कार्यक्रम बीते दिन सोमवार से शुरू हो चुका है, जो कि 22 अप्रैल तक चलेगा। मालूम हो कि धरोहर के बनने में वर्षों का समय लग जाता है और एक प्राकृतिक आपदा में हजारों वर्षों के धरोहर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने धरोहर को कैसे बचाकर रखा जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ी अपने अतीत से रूबरू हो सके। मालूम हो कि बिहार देश के 29 राज्यों में शामिल है, जहां इन सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री आवास को छोड़ 7 सर्कुलर मार्ग स्थित बंगले में शिफ्ट होंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जल्द ही एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर 7 सर्कुलर मार्ग स्थित बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, क्योंकि 7 सर्कुलर मार्ग स्थित बंगले की मरम्मति भी चल रही थी। मुख्यमंत्री का सामान भी पिछले 1 महीने से बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है और अब खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जल्द ही 7 सर्कुलर मार्ग स्थित बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा सकते हैं। दिल्ली से वापस आने के बाद वो 7 सर्कुलर मार्ग स्थित बंगले में शिफ्ट होंगे। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए कोरोना अपडेट में कुल 33,961 मरीजों की सैंपल ली गई थी, जिसमें 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही मामले राजधानी पटना के हैं। इसके बाद बिहार में भी अब कुल एक्टिव कोरोना केस के मामले 13 हो गए हैं। वहीं देशभर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मंगलवार यानी आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1274 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक की कोविड 19 से जान भी गई। देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले कुल 11,860 है। चहल की हैट्रिक पर झूम उठी धनश्री। बीते दिन खेले गए आईपीएल के 30वें मुकाबले में आईपीएल फैंस को बेहद ही रोमांचक भरा मैच देखने को मिला, जहां राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थी। राजस्थान ने यह मुकाबला कांटे की टक्कर से 7 रनों से जीत लिया, जहां बटलर के शतक और चहल की हैट्रिक ने सबका दिल जीत लिया। राजस्थान की इस जीत में स्पिनर यजुवेंद्र चहल चमके। उन्होंने सीजन के पहले
हैट्रिक लेने के साथ ही अपने करियर का पहला 5 विकेट भी हासिल किया। लेकिन इस मुकाबले का एक और भी नजारा फैंस के दिलों को छू रहा है, वो है चहल की पत्नी धनश्रीका चहल के हैट्रिक लेने के बाद का जश्न। चहल ने मैच में हैट्रिक हासिल करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। वहीं इसी बीच कैमरे में उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का भी रिएक्शन कैद हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुशलेरा कुमार सिन्हा, रंजीत मेहता, लक्ष्मण कुमार, अमित कुमार, न्यूटन, मंतोष कुमार, विक्रम कुमार, शमशाद अली, कमल चौधरी। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपने कोरोना का बूस्टर डोज लगवाया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।